जो आप एएनएन की वजाहत देख रहे हैं, आपको पता ही है कि यहाँ पे जो मैच चल रहा है खैबर मिल्क प्रीमियर फुटबॉल लीग प्रेजेंटेड बाय एएमआरएल लैब्स एंड पावर्ड बाय अराइज ग्रुप अराइज इन द एमजी कश्मीर। तो आपको पता ही होगा कि आज यहाँ पे इस सीरीज का इस लीग का चौथा मैच खेला गया जो कश्मीर एवेंजर्स और इकबाल स्पोर्ट्स के दरमियान खेला गया, जिसमें कश्मीर एवेंजर्स ने एक तारीखी जीत आज रकम कर दी है 6-0। जो इकबाल स्पोर्ट्स है उनके खिलाफ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। और हम अपने नाज़रीन को बताते चलें, जो कश्मीर एवेंजर्स के केल्विन हैं जो इन्हें आउट ऑफ कंट्री जो यहाँ पे आए हैं खेलने कश्मीर एवेंजर्स टीम के लिए, तो वो मैन ऑफ द मैच यहाँ पे करार दिए गए हैं। तो उससे पहले कि उनको मैन ऑफ द मैच का जो मोमेंटम है दे दिया जाएगा, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ उनको मैन ऑफ द मैच जो मोमेंटम है वो मोहम्मद यूसुफ जो वेटरन है, हमारे फुटबॉल प्लेयर हैं, सीनियर मोस्ट प्लेयर यहाँ पे हैं, तो उनकी तरफ से दिया जाएगा। और हमारे साथ तारिक मद्दी साहब भी जुड़े हैं जो डीएफए सेक्रेटरी हैं, शेख रिजवान जो कोच है कश्मीर एवेंजर्स के, उनके साथ भी तबादला ख्याल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मोहम्मद यूसुफ जो हमारे वेटरन फुटबॉल प्लेयर हैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो केल्विन को मैन ऑफ द मैच का जो मोमेंटम केल्विन है जिनको मैन ऑफ द मैच का जो मोमेंटम है दिया जा रहा है मोहम्मद यूसुफ जो हमारे वेटरन फुटबॉल प्लेयर है उनकी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो योर मैन ऑफ द मैच, हाउ डू यू फील यू आर प्लेइंग द फील्ड? Personally, I feel very happy, but I want to appreciate the team, the coaching staff. I want to say a big thank you to Coach Wisman. And all of the players, they are very hardworking. So I feel very happy to be man of the match. But the man of the match is dedicated to the entire team because the entire team works very hard. What will be your next strategy? Because you are going to play this big league. There are lots of matches you have to play now. What we do is game by game, step by step. We approach one game at a time. That's why our coach always tell us to always work hard and be prepared for the next game. So this one is finished. So we are going to get prepared for the next game. What will be your message for your players? We just need to keep believing, keep working hard, keep listening to our coach, and be very disciplined. Because as a footballer, you have to be disciplined. So we will listen to our coaches, our technical staff, and we will work very hard so that any other opportunity comes, we can grab it. How did you feel in Kashmir? You're playing a game, football in Kashmir. How did you feel? Firstly, football is playing with the local players. Football is one language. Football is a religion that brings all religion together. So I feel very, very happy. I'm so blessed and happy to have Coach Rizwan, I have Zahin, Nadev. Those are people who make me feel at home here. So I feel very happy to be here, and I feel very proud. And I'm happy also because of the team. The team welcomed I and Moses very well. So we are happy to be here. We feel at home. Many, many thanks, Calvin, for being with us. Here is the Calvin, who is a man of the match from Kashmir Avengers team. Many, many thanks, Calvin. तो इसके बाद बात करना चाहेंगे, आप यहाँ पे आइए प्लीज, हमारे नाज़रीन को थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए कि आपका नाम और अपना काम करेंगे हमारे नाज़रीन को। बीरज बीरज मतलब जो कश्मीर यूथ है इसकी ओर आए, ये बहुत अच्छी एक बात है, मैसेज है, पीस मैसेज हर एक के लिए। हम भी स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, ये पीस है वर्ल्ड के लिए मैसेज है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भी इस लीग को मुनक्कद करने में अपना ताउन दिया है, तो हाउ डू यू फील कि आज पहली बार जो यहाँ पे लीग मुनक्कद ऐसी की जा रही है कि जिसका लाइव ट्रांसमिशन टीवी पे चलाया जाएगा, तो हाउ डू यू फील, तो आपने क्या जान के इस लीग में अपना ताउन दिया? जी जनाब, ये होना चाहिए क्योंकि जो भी लाइव होता है इससे एक बूस्ट मिलता है हर एक प्लेयर को।